हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर किसी दूसरे यूट्यूबर का वीडियो कैसे अपलोड करें कि आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम ना आए। सो गाइस, बिना कॉपीराइट क्लेम आए कोई दूसरे यूट्यूबर्स का वीडियो लोड कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट क्लेम यूट्यूब की तरफ से नहीं मिलेगा। सो गाइस, बिना कॉपीराइट क्लेम का आप दूसरे यूट्यूबर्स का अपलोड किया हुआ वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं और कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। सो गाइस, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को करते हैं ओपन, और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे www.youtube.com को सर्च करेंगे, जैसा कि हम आपको यहाँ सर्च करके दिखा रहे हैं। लाइव प्रूव करके दिखाएंगे कि आप कैसे दूसरे की वीडियो अपलोड करें, और इसको यहाँ पर डेस्कटॉप साइड मोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे यूट्यूब आइकन दिख रहा है, जो YouTube का लोगो दिख रहा है उसके सामने एक सर्च ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस प्रकार की आपको वीडियो अपने चैनल पर लोड करनी है उसको सर्च करना होगा। सो गाइस, हम यहाँ सर्च करते हैं LOVE लव सॉन्ग, SONG लव सॉन्ग लिखा हमने। यहाँ पे इसको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और सर्च करते हैं। सो गाइस, इस प्रकार जितने लव वाले सॉन्ग हैं सब यहाँ खुलकर आ जाते हैं। सो गाइस, सिंपली आपको ऊपर फिल्टर का बटन दिख रहा होगा, जूम करके दिखा रहे हैं, ये ऑप्शन लिखा है फिल्टर, फिल्टर पे क्लिक करेंगे। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा पेज को बाएं साइड की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फ्यूचर्स ऑप्शन के नीचे क्रिएटिव कॉमन्स ऑप्शन दिखाई देगा, ये क्रिएटिव कॉमन्स पे आप क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार फिल्टर करके YouTube आप वीडियो आपके सामने लव वाले सॉन्ग दे देता है जिस पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। किसी एक वीडियोस को यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं, चला के देख लेते हैं। सिंपली हम ऊपर वाले वीडियोस को चला के देख लेते हैं और ये यहाँ पर प्ले हो गया। इसके बाद वीडियो प्ले होने के बाद नीचे यहाँ ऑप्शन एक दिया रहता है शो मोर, इस पर क्लिक करेंगे। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे खुल के दिखाई देगा, जो क्रिएटिव कॉमन्स पे जो क्लिक करेंगे वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सो गाइस, सबसे नीचे वीडियो के दिखाई देता है, यहाँ पे लाइसेंस ऑप्शन सबसे नीचे दिखाई देता है, लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशंस लाइसेंस रिजल्ट रीयूज अलाउड, यहाँ पे ऑप्शन है आप इस वीडियो को दोबारा यूज कर सकते हो, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। सो गाइस, जिस वीडियो के नीचे ये ऑप्शन दिखाई देता है क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशंस लाइसेंस रीयूज अलाउड, सो गाइस इस वीडियो को आप यूट्यूब पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद पुनः अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। सो गाइस, सिंपली आपको डाउनलोड कैसे करना होगा, यहां से कर देना है इसको बैक, और बैक में जाना है आप यूट्यूब पे जाएंगे। यहां यूट्यूब पे जिस वीडियो को आप वहां क्रोम ब्राउजर पे चलाए हैं प्ले कर चुके हैं उसको यहाँ लाइब्रेरी में आएंगे और यहाँ पर देखिए हमने इस वीडियो को चलाया है, इसको यहाँ पर फिर कर देते हैं प्ले। और प्ले करने के बाद आप इसके डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आएगा लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशंस लाइसेंस री यूज अलाउड, इस वीडियो के नीचे लिखा है इसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं। सो गाइस, सिंपली इसको करना क्या है, आप यहां पर शेयर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डाउनलोड वीडियोज पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से वीडियो को डाउनलोड कर लें, उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः इसको अपलोड कर दें, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। सो गाइस, आई होप हम समझते हैं कि आपको बिना कॉपीराइट क्लेम आए किसी दूसरी की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं,
उसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। सो गाइस, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।